जिन
निकीना साथ विदाता सफल जन्म हर जन का उपजिया सफल जन्म हर जन का उपजिया रस भोजन खाता
साठ साठ तीरथ मज्जन कीना जन का उपजया
जिन कीनो सौत विधाता सफल जन्म हर जन का उपजया आया सफल ताहूं घोगनिया आया सफल ताहूं घोगनिया जास रसन मुख अमृत बनिए आया सफल ताहू को गनिए सब जन्म तिना का सफल है सांझा करना चाहना वो है उपजया सफल जन्म हर जन का उपजया जीवन है कि उपजन तो शुरू होंदा है ते समा जांदा है उपज तो बाद निपचदा मतलब होंदा है वधना फुलना उपजन तो जीवन शुरू होंदा है पर इन बड़ी गंभीरता नाल असी लेना है ते समझना है गुरु ने बाणी विच उपजन दे नाम नाल एक शर्त रख दित्ती है जेहते उपजिया जेहते उपजिया कहीं पछाण तू पैदा हुए जेड़ा तेरी पदाइश दा मूल है बुनियाद है जड़ है उन्हु पछान हुण एथे एक सवाल खड़ा हो गया है गुरमत दे खेत्र विच कि जो कुछ असी हाँ जो तुसी हो उन्दे उपजन दा मूल एक है मैं जिस विषय नूं अज इसे लिए जल्दी छेड़ दिता है इन्हें टाइम लै जाना इन्दा मूल एक है गुरबाणी अंदर ही एक लाइन है दोहे माई दोहे माई दो बापा पड़ी है पंडित करे विचार हे पंडित भाव सियाने पढ़े लिखे विद्वान पुरुष जरा विचार कर तेरा मां बाप एक है लो बड़ा अजीब जिहा सवाल खड़ा हो गया कहिंदे ने हे पंडित अपने आप नूं विद्वान खोजी अखवान वाले तेरी खोज की कहती है
ਕੀ ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਇੱਕ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਦੋਹੇ ਮਾਈ ਦੋਹੇ ਬਾਪਾ ਪੜੀਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੜਿਆ ਦੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ। ਜ਼ਰਾ ਸਰਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰਲਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਸੁਣ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਿਲ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਪਿੰਡ ਕਮਾਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਪ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਦੇਹ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪਿੰਡ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਕਮਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਕਮਾ ਸਕੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ। ਜੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਜ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਜ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ? ਜੀ ਉਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ। ਜੀਉ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਜੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਛੇੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜੀਉ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਉ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੇ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰੇ ਆ, ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ। ਹਰੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜੱਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰੇ ਆ, ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜੱਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਭਲਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਦਸੂਰਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਲੈਣ ਲਈ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਸਾਜ ਲੈਂਦੇ, ਧੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਜਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਲੇਬਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀਉ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਪਿੰਡ ਖਾਣ। ਪਰ ਦੋਏ ਮਾਈ
दोए बापा पढ़िए पंडित करे बिचारो दा सवाल खड़ा है। एक मां बाप ओ है जेड़ा शरीर नू बनत दिंदा है ते एक मां बाप ओ है जेड़ा उस शरीर दे विच जीवन नू बनत दिंदा है। अर्ज की भी जीवन बाद विच आउंदा है। हुण भला दोहां विचों वैल्यू किंदी ज्यादा है? एक माता पिता ने शरीर दी बनतर नू जन्म दे दे पैदा कर बनतर दे दित्ती ते जे भला उहदे विच जीवन ना आउंदा ना आउंदा उस शरीर दी बनतर जिन्नी मर्जी खूबसूरत हुंदी कोई उहनू संभाल के रखदा? लोग कहते ने फलाने दे घर बच्चा जन्म होया पर बेजान सी, जीवन देने वाला कोई होर है। वो जीवन देने वाला जेड़ा है वो मां बाप ना होया, उन्हूं तां सी मां बाप मान लिया जिन्ने शरीर नू साजिया जिन्ने पिंड नू साजिया। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਣਿਆ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਆ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਖਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਜੀ ਮਾਤਾ ਹਰ ਜੀ ਪਿਤਾ। दो मां दो बाप हो गए ना, असी एक मां बाप मापिया भी जानने, असी सिर्फ उसे नू मापे समझने जिन्हें ने शरीर नू जन्म दिता। असी उस मापिया नू अपनी गिनती भी च नहीं रखते जिन्हें उन्दे विच जान पाई है। हर जी माता हर जी पिता हर जी ओ प्रतपालक हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक दोए माई दोए बापा पड़ी है पन्नत करे विचार। सोचने वाली गल है गुरबाणी सानू समझाने लिए कुछ सवाल खड़े कर दिए ताकि मनुख नू कुछ चेता आ जाए। हुण फर्क की है? जिस मां बाप नू असी पछाणने आ देखने आ उसे दी सानू पछाण हो जांदी है, ते जिन्नू असी बार बार देखने आ उंदी शकल भी उंदी सूरत भी साडे ते अफेक्टिव होंदी। एतां साइंस ने भी मन्निया कि घर विच जदों माता प्रेगनेंट होवे घर विच कोई बदसूरत फोटो ना लाओ नहीं तो दिन रात वेख वेख के उनका प्रभाव उनका अफेक्ट बच्चे ते भी पवेगा, वो खूबसूरत नहीं रहेगा। खूबसूरत फोटो खूबसूरत सीनरी चंगे वातावरण में उसनों ले जाओ ताकि उनका प्रभाव ही अंदर पवे। इनका मतलब प्रभाव पैदा है। जिहड़ा असीं कहने ना फलाना बच्चा अपने पिता ते गया उनकी शकल मिल रही, शकल नूं वेख के कई बार कहिंदे फलाने दा पुत्तर है क्योंकि उन्हें दिन रात वेखदा, जन्म तो बाद उन्हें वेखी जाता, मां नूं वेखदा है, प्यो नूं वेखदा। ते गुरु कहिंदे दूजे मां बाप नूं वेखदा ही नहीं। हुण सवाल तो है हुण रब वर्गा किहड़ा बने, गुरु वर्गा किहड़ा बने? लो आ काम है, आ कारण है दूरी दा।
मैं हैरान होना, मैं एग्जाम्पल देना चाहना, गुरु ने लफज क्यों दे दिता है? जै ते उपजया तै पछाण, बल्कि एक होर शब्द है जिंदे विच लफज ने, मन तू ज्योत स्वरूप है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। कितों पैदा होया केडी अजीब गल है, अंब बीज बना के धरती ते बीज दिता गया उंदी गुठली नूं, समा बीतिया, समय बीतन नाल उथे पेड़ दरखत पैदा होया, दरखत वड्डा हुंदा गया, टाणियां दूर चलिया गईया, टाणियां नाल फुल लगे, उस तो बाद फल लगने सन, हुण जेड़ा बीज रूप गुठली सी उह तो बहुत थले रह गया, बहुत थले रह गया धरती दिता विच, पर केड़ा चंगा ते केड़ी लंबी सोच वाला फल है। उन्हें आख्या मैनू कौन आखेगा तू कित्थों पैदा होया? जे मेरी शक्ल ही अंब नाल ना मिली, जेड़ा अंब थले जड़ विच बैठा है, उन्दे नाल टाणी विच लगन वाले अंब दी शक्ल मिल जाती है, उन्दे नाल अंब भी लगता है। कदी ए नहीं हो सकता मूल विच कुछ होर होवे ते टाणी नू कुछ होर लग जाए। केड़ी अजीब गल है, फल पछाण रहा है अपने मूल नू, फल पछाण मनुख नहीं पछाण रहा। गुरु दी ए आवाज देनी की है, ओ परिया तू बाहरले मां बाप नाल शरीर दे पैदा करन वाले, शरीर दी उपजन वाले मां बाप नाल ता अपनी शक्ल मेल ली, सुभाव ही मेल लिया, आदतां भी मेल रही हैं, उन्दे सुभाव तो उन्दे आदत उन्दी आदतां तो उन्दी शक्ल तो असीं अंदाजा लगा लैने फलाणे दा पुत्तर है। जिन्हें अंदर जीवन दिता, असल तो जीवन ही सी तेरे नाल, तो अंब का फल चंगा है, उन्हें अपने जड़ विच बैठी हुई अंब की शक्ल नूं पछाण लिया। मेरी शक्ल इंदे वर्गी होनी चाहिए, मैं किंदा पुत्तर हाँ, पता लगे अंब का फल किंदा पुत्तर है, पता लगे अनार दा फल किंदा पुत्तर है, छोटा जिहा बीज थले बैठा है, ओ शाखा दे अंदरों बड़ी दूर अंदेशी नाल उपर लगन वाला अनार जेड़ा है ओ पछाणदा है मेरा बीज केड़ा है, मैनू जन्म देने वाला है। पर केड़ी अजीब गल है, तू तो एक मां बाप नू पछाण रहे हैं जेड़ा तेरे शरीर दा जन्मदाता है, ते दूजा मां बाप जिन्नू गुरु ने आवाज दे के तेनू समझाया, हर जी माता हर जी पिता, जिन्हें तेनू जीवन दिता है उस शरीर विच, जिन्दे बिना शरीर भी किसे काम नहीं, जिन्ना मर्जी खूबसूरत होवे जे उहदे च जान ही नहीं, जिन्ना मर्जी सुंदर होवे जे उहदे विच जीवन ही नहीं ते कौन संभालेगा उहनू, कौन प्रतपालेगा उहनू, कौन उहनू गुलवकड़ियां पाएगा, कौन उहनू गोदी खिडाएगा, सारा कुछ तां जीवन विच बैठा है ते जिन्ने जीवन दिता है उस बापू नू तू पछाणदा ही नहीं। दुनिया भी नहीं आख्या देख तेरे नालों दरखत केडा चंगा है, दरख्त नाल लगन वाला फल केडा चंगा, कदी नहीं तुसी वेखोगे कि जड़ विच कोई होर बीज बैठा होवे ते टाणी नाल कोई होर फल लग जाए। नहीं, कहता नहीं मैं अपने बापू नूं नहीं भुल सकता,
मैं अपने पिता नूं नहीं भुल, मैं जिथों पैदा होया। ते गुरु ने भी यही गल आख दी, कहन लगे मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। जै ते उपजया तई पछाण, जिंदे तो पैदा होया है उंदी पछाण कर। ते तू दूजे मां बाप नूं याद भी नहीं करता, मैं कई बार कहना हुंदा, जिहड़ा मां बाप अखी दिसदा ना बच्चे नूं, थोड़े दिन बाद ही उस मां बाप की पछाण हो जाती। बच्चा रो रहा होवे, मां गोदी चुक लै, चुप कर जांदा, उन्हूं कोई संतुष्टता मिलती, उन्हूं कोई खुशी जीवन की मिलती, क्योंकि मां दे गोद का सहारा मिल गया। उनकी शक्ल पिता नाल मिलती है, पिता चुप लै, पिता उंगली फड़ के तोर दे, सुरक्षित समझदा अपने आप नूं। पिता की उंगली नाल तुरिया जांदा बच्चा, जिन्नी मर्जी भीड़ विच होवे अपने आप नूं सुरक्षित समझदा। सुरक्षित पिता की उंगली फड़ी हुई है, क्योंकि वह पिता के शरीर नूं पछाणदा है, शकल नूं पछाणदा है। ते जे पिता की उंगली छुट जाए, मैं अर्ज की सी कि प्रिंसिपल गंगा सिंह की एक पुस्तक है लैक्चर मां चांडन करके, उन्दे विच थां ते बड़ा सोहना जिक्र करदा है। कहिंदा किसी मेले विच पिता की उंगली फड़ के बच्चा गया, मेले दे धक्के विच पिता की उंगली छुट गई, रोन लग पिया। रोंदे नूं किसी ने वेखिया, ये जरूर अपने पिता नालों विछड़ गया। मेलियां विच इहो जिहियां संस्थावां बनियां हुंदियां ने, जिहड़े विछड़ जांदे ने बच्चे उन्हां नूं संभालदियां ने, उन्हां ने संभाल लिया। उन्हें सोचिया रोवे ना, इनू उलझाने लई खिडौने भी ले आंदे, मिठाइयां भी ले आंदियां, ओह दे अगे करदे ने। ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਿਠਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਮਿਠਾਈ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਉਹਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਂਗਲ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਉਹੋ ਹੀ ਖਿਡਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਮਿਠਾਈ, ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਆਂਬ ਕੀ ਸੱਦਰ ਕੱਤ ਮਿਟਤ ਆਂਬ ਮਿਲਤ ਆਂਬਲੀ ਖਾਏ, ਪਿਤਾ ਕੋ ਪਿਆਰ ਨਾ ਪੜੋਸੀ ਸਿਉਂ ਪਾਈਏ। ਪਿਤਾ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਪੜੋਸੀ ਕੋਲੋਂ, ਗੁਆਂਢੀ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਰੀਰਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕਿਸੇ, ਜਾਂ ਦੱਸ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਿਉਂ ਸੀ ਕਿ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਤੱਕ ਨਾਮ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਸੀ ਵੱਡਾ ਕੜੀ ਵਾਲਾ,
उस जमाने अंदर उनके उत्ते नाम लिखण की आदत बर्तना ते लोग नाम लिखते सन ते लोग आम करके अनपढ़ होंदे सन ना लिखण वाले भी पिंडां विच किहड़े पढ़े लिखे होंदे सन उह छैणी नाल नाम लिख दिंदे सन ते उहनां नूं भी स्पैलिंग दा पता नहीं सी हुंदा ते उह साडे घर इक गिलास सी ते उहदे ते जदों मैं पढ़ना ते मैं पढ़ के हैरान होना छोटा जिहा बच्चा सा भावें पर क्योंकि पंजाबी पढ़ गया सा ते मैं दादी जी नूं एक दिन पुछिया अम्मा आ की लिखिया होया है सदगर साग सदगर साग ए की होया ससा दद्दा गग्गा रारा ससा गग्गा कहन ससा काका कह लगी नहीं ए तेरे दादे दे दादे दा नां है उदों दा गिलास है साडे कोल उहदा नां सी सुदागर सिंह लिखण वाले नूं स्पैलिंग दा पता नहीं सी उहने सिर्फ अखर पा दित्ते ने कोई सिहारी बिहारी कोई लां कन्ना नहीं पाया इसलिए अखरां विच सतगुर संग है पर है उहदा नां सुदागर सिंह तो मेरे कहण दा मतलब इउं मावां बच्चियां तक गल पहुंचांदियां सन पर तां ही ना क्योंकि शरीर कृष्ता है शरीरक रिश्ता है मनुख का जीवन शरीरक रिश्ते के दरम्यान किरिया होया रात भी एक ख्याल आ गुरु ने बाणी विच क्यों आख्या जी रात बाबा कबीर जी का सलोक सी जिंदे विच ये लफज सन कि दुनिया के लोगो कबीर गए गच परे हो कुटंब के कंठ रह गयो राम मैं कुटंब के गए गच पीड़ विच फस गया आराम जड़ा है वो मेरे गले में ही फस गया हूँ अंदर ही नहीं जाता था ही कोई नहीं अंदर रात बाबा कबीर जी का श्लोक गैग बरे परे कुटंब गए कंठ ही रह गए राम मेरे कंठ में मेरे गले में ही फस गया है राम हूँ पूरा थले ही नहीं जाता अंदर ही नहीं जाता क्योंकि अंदर इन्नी भीड़ पै गई है वह है कुटंब की जिहड़ा कुटंब मैनू शरीर करके दिसदा राम शरीर करके नहीं दिसदा अनुभव है ओ पलियो एक ख्याल करियो जिहड़ी चीज अनुभव नालो होवे असल शक्ति वह हुंदी है कदी आम जिंदगी विच देखो जिहड़ी चीज देखी जा सके गुरु ने भी बार बार क्यों आख्या जो दिसे सो सगल बिनासे वो शक्ति नहीं शक्ति तो वह है जिहड़ी दिसदी नहीं कम करदी है ते वो एहसास करांदी है खुशबू ते बदबू दोनों ही हवा विच ने जिथे पवन ना होवे हवा ना होवे उत्थे ना खुशबू आउंदी है ना बदबू आउंदी है पवन ते सवार होना उहनूं पवन साढ़े सह नाल अंदर जानी उन्हें सानू दसना है कि इस सह विच तेरे अंदर खुशबू गई है कि बदबू गई है ते पवन की है सूक्ष्म उनका आ जाना ही बदबू का आ जाना ही एहसास कराता है कि कोई पवन है नहीं तो पवन कोई दिसदी है आप बैठे हाँ इत्थे जी ऑक्सीजन ना हो बैठना औखा है सह आना ही औखा है पर उस पवन जिहड़ा साह सानू आउंदा उहदी कोई वीडियो बनावे उहदी कोई फोटो खिंचना चाहे नामुमकिन है असंभव है क्योंकि वो एहसास है दिसन वाला स्थूल नहीं मनुख का सुभाग की है कि मनुख दिसन वाले स्थूल नू ही रिश्ता बनाउंदा है हालांकि जीवन का रिश्ता एक ख्याल करो स्वासा नाल है स्वासा नाल है जीवन स्वासा नाल है गुरु ने भी बाणी विच आख्या सतगुरु ने क्यों ये गल आख दित्ती कहन लगे कीर्तन नाम सिमरत रहो जब लग घट सास हे मालिक मैं तेरा रिश्ता किवें छड़ दिया मैं चाहना मैं तेरी सिफत सलाह करदा रहा कीर्तन दा सिफत सलाह
कीर्ति, मैं अपने जीवन अंदर तेरी सिफत सलाह करदा रहा कद तक, जदों तक मेरे अंदर साह जांदा ते आउंदा है, क्योंकि तू भी साह विच बैठ सकना है। दुनिया की कोई चीज साह विच नहीं, जिहड़ी स्थूल है वह साह विच नहीं बैठ सकती। जे खुशबू ते बदबू भी स्थूल होंदी, कदी पवन ते ना बैठ सकती, इसलिए कि वह भी सूक्ष्म है। जे जिहड़ी चीज स्थूल है वह साढ़े अंदर पवन विच बैठ के किवें जाएगी? कोई भरा, कोई मित्र, कोई दोस्त, जे आखिए पवन ते सवार होके साढ़े अंदर चला जाए, नामुमकिन है। सूक्ष्म अंदर जाने है, वह है पवन, वह केवल एहसास है, वह दिसदी नहीं। ते साडा दुखांत की है, असी जिहड़ी चीज दिसदी है उहदे नाल रिश्ता जोड़ लैने, वह ही साडी पछाण विच आउंदी है। जिहड़ी दिसदी नहीं, भावें जिड्डी मर्जी वड्डी शक्ति होवे, ना असी उहनू जानने आ, ना उहनू पछाणने आ। हुण गुरु इहो गल आख रिहा है, वह कहिंदा भरिया, जिन्हें तैनूं पैदा कीता है उहनू पछाण, उहनू पछाण। मन हर जी तेरे नाल है, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन हर जी तेरे नाल है, तेरे नाल है। जिवें मैं आखा पवन तेरे नाल है, ऑक्सीजन तेरे नाल है, तू उहदे विच ही साह लै रहा। जे उह तेरे नाल ना होवे तू साह किवें लवें? गुरु कहिंदे ने, हे दुनिया के लोगो, मैं दसना चाहना रब भी तेरे नाल है, एहसास कर। ते एहसास की कर, जिवें स्वासां दा तैनूं एहसास हुंदा कि पवन तेरे नाल है, एवें तैनूं जीवन दा एहसास होवे कि रब तेरे नाल है, जिन्ने तैनूं शरीर विच जीवन दित्ता है। फर्क यह है कि तू शरीर दे दाते नूं, शरीर नूं साजन वाले नूं पछाण रहा है, उहनूं अपना मां बाप मन रहा है। ते गुरु ने इहो गल बाणी विच आखी, कहन लगे मैं समझाना चाहना ए कि उहनूं भी पछाण, तेरा जन्म तां सफल है, तेरा जन्म तां सफल है, क्योंकि जन्म जिहड़ा है वह शरीर ते है ही नहीं। जे कल्ला शरीर ही जन्म हुंदा ते दुनिया जन्मदिन क्यों मना दी? जन्मदिन दीआं खुशियां किवें आउंदियां जे उहदे विच जीवन ही ना हुंदा? गुरु कहिंदे ने, नहीं, जिन्नियां खुशियां तेरे कोल लै के आया है ना, वह लै के आया है जीवन, जिहड़ा उस शरीर दे विच रखिया गया है, जिन्हों तू पुत्र आख रहा है, जिन्हों तू पोतर आख रहा है, जिन्हों तू धी आख रहा है, जिन्हों भरा आख रहा है, उस दे शरीर विच कोई जीवन रखिया गया है, ते जीवन रखण वाला हो रहा है। दोए माई दोए बाप अपनी है, ओ मां बाप कोई हो रहा है। ते कहन लगे, जिस दिन तू उहनू मां बाप मन लेंगा, मन लै, दूजे पास आना चाहना शब्द की इस लाइन वाल, कह लगे जिस दिन तू उन्हू मां बाप मान लिया, ते फिर तो सौतरा हो गया, पुत्र वाला हो गया, तू उनका पुत्र हो गया ना। जी भला तू उन्हू मां बाप मान लै, तेनू पछाण आ जाए उनकी। जिस दिन तू रब की पछाण कर लेगा, मनु रब की पछाण करने वाला मनुख गुरमुख जेड़ा है, वो रब नू सौतरा बनाता है, पुत्र वाला बनाता है। सतगुरु कहते ने, सब जन्म हर जन का सफल है, क्यों? कहने लगे उन्दे आउन नाल रब सौतरा होया है। कह लगे सफल जन्म हर जन का उपजया, जिनकी नो सौत विधाता।
ਆਪ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਪੂ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜੇ ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮੰਨ ਲੈਣ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਸੌਤਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਫਲ ਜਨਮ ਹਰ ਜਨ ਕਾ ਉਪਜਿਆ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਜੀਵ ਪ੍ਰਾਣ ਸੁੱਖ ਸਾਗਰ ਰੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕੌਣ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕੌਣ ਹੈ ਹਰਜੀ ਮਾਤਾ ਹਰਜੀ ਪਿਤਾ ਹਰਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੌਤਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਫਲ ਜਨਮ ਹਰ ਜਨ ਕਾ ਉਪਜਿਆ ਜਿਨ ਕੀਨੋ ਸੋਤ ਵਿਧਾਤਾ ਜਿਨੇ ਵਿਧਾਤਾ ਨੂੰ ਸੌਤਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ ਕੀਨੋ ਸੋਤ ਵਿਧਾਤਾ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੁਟੁੰਬ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਚੰਗਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕੁੱਲ ਦਾ ਇਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 21 ਕੁੱਲਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 21 ਕੁੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿ 7 ਕੁੱਲਾਂ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀਆਂ 7 ਕੁੱਲਾਂ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੀਆਂ 7 ਕੁੱਲਾਂ ਸਸੁਰਾਲ ਦੀਆਂ ਇਨਲਾਜ਼ ਦੀਆਂ 21 ਕੁੱਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਪੂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ 10 ਕੁੱਲਾਂ ਅਤੇ 20 ਕੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬਾਪੂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੋੜਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸਗਲ ਸਮਗ ਸਗਲ ਸਮੂਹ ਲੈ ਉਧਰੇ ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਸਮੂਹ ਲੈ ਉਧਰੇ ਨਾਨਕ ਕੌਣ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਪ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ
सगल समूह ले उधरे नानक पूरन ब्रह्म पछाता पूरन ब्रह्म पछाता हर जन का उपजया जिनकी नो सौत विदाता जिनकी नो सौत विदाता जिनकी नो सौत विदाता जिन्नू असी पछाणने आ उन्दी शकल ते उन्दी अकल सुभा दोनों चीज़ां साडे नाल रिश्ते विच आ जांदियां ने उसे नू असी आखने आ अफेक्टिव होना संसारिक शरीर दे माता पिता नू क्योंकि पछाणने आ इसलिए बच्चा भी पछाण जांदा है नतीजा निकलता है उनकी शकल भी बापू नाल मिल जाती है उनका सुभा अकल भी बापू नाल मिल जाती है सुभा भी मिल जाता है पर गुरु कहिंदे ने जे तू जीवन देने वाले दूजे मां बाप नू भी पछाण लै हर जी माता हर जी पिता उन्हू भी पछाण लै ते फिर विश्वास कर तेरी शकल भी तेरी अकल भी तेरा सुभा सब कुछ उन्दे नाल भी मिल जाएगा फिर वो भी सौतरा हो जाएगा इन्हां शब्दां नाल खिमंदा जा चुका फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा।